प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। कल हमने पहली पोएम पढ़ी थी, जिसका नाम था माय मदर एट 66। जो पहली पोएम थी माय मदर एट 66, इसमें जो पोएटेस हैं कमला दास, उन्होंने बताया कि हमें जो हमारे एल्डर्स लोग परिवार में रहते हैं, स्पेशली माता पिता, दादा दादी, उनका हमें लुक आफ्टर करना चाहिए ओल्ड एज में। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि उनकी जो वे बातें कहते हैं उनका भी हमें ओबे करना चाहिए, उनका भी हमें पालन करना चाहिए। तो अब आप बात करते हैं हम दूसरी पोएम की। दूसरी पोएम में क्या है? दूसरी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसमें क्या बताया? इसमें इसके जो पोएट हैं वो है स्टीफन स्पेंडर। और ये जो पोएट हैं, ये पोएट भी हैं, साथ साथ में ठीक है, ये पोएट भी हैं और एसेस्ट भी हैं, यानी कि निबंधकार भी हैं अच्छे। और ये पॉलिटिक्स में बहुत विश्वास करते थे और ये अपने आप को बहुत ही बड़ा समाजवादी या समाज सुधारक समझ लीजिए मानते थे। और इनकी जितने भी राइटिंग्स हैं, जितने भी लेख हैं, सारे में इन्होंने सोशल इनजस्टिस या सोशल इनइक्विटी के बारे में बताया है। सामाजिक अन्याय जो लोगों के साथ होता है, उसके बारे में इन्होंने कविताएं लिखी, अपने लेख लिखे हैं। तो अब पोएम के बारे में बात करते हैं। पोएम क्या है? हमारी पोएम, इसमें 4 स्टेंजा हैं, थोड़ी सी लेंथी पोएम है, लेकिन बहुत ही एक हमें लेसन देने वाली पोएम है, जिसमें हमें एक क्लास के बारे में पता चलता है, एक वर्ग, विशेष वर्ग के बारे में पता चलता है, जिनके बारे में हम भेदभाव रखते हैं। और जो पोएट हैं इसके, इस पोएम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें समाज में किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और इसके लिए ये सभी लोगों से आह्वान करते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो विजिटर्स हो, चाहे गवर्नर हो, इंस्पेक्टर हो, कोई भी लोग हो जो भी इस कैपेबल हैं कि वो किसी गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं, इन बच्चों की सहायता कर सकते हैं, वो आगे बढ़ चढ़ करके आएँ और इनका, बच्चों का फ्यूचर जो है सुधारें, ताकि ये भी भारत के अच्छे नागरिक बन जाएँ और ये इधर उधर कहीं गलत सलत काम, चोरी चकारी ना करें। तो इस पोएम में, चूँकि आपको बताई दिया कि ये सोशल इनइक्विटी से रिलेटेड है, सामाजिक असमानता से रिलेटेड है, उस समाज में जो भेदभाव हमारे कुछ गरीब बच्चों के साथ होता है या गरीब परिवारों के साथ या वर्ग के साथ होता है, वो ये कवि इस पोएम के माध्यम से कहते हैं कि इसको हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखो, पहले स्टेंजा को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स, द हेयर ट्रोन राउंड देयर पैलर, द टाल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद ए रेड्स आईज, स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ द ट्विस्टेड बोन, रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो इस पोएम में पहला स्टेंजा ये है, इसमें ये बच्चों के फेस के बारे में बताया और 2-3 बच्चों के बारे में बताया। एक इसमें एक लड़की है, एक बहुत ही पतला लड़का है और एक दूसरा सुंदर सा बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो एक ड्रीम देख रहा है कि मैं बाहर जाके खेलूं। तो पहले स्टेंजा में 2-3 चिल्ड्रन के बारे में बताया है। तो क्या बोला, देखो पहली लाइन में क्या लिखा, फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दी चिल्ड्रंस फेसेस, जो इन बच्चों के चेहरे हैं, फेसेस का मतलब चेहरे, जो इन बच्चों के चेहरे हैं वो बहुत दूर है किससे, गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब एनर्जी से, पोषण से, यानी कि उनके चेहरे पे कोई पोषण नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई चार्म नहीं है, कोई रौनक नहीं है। तो जो ये स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग, बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, उनके बच्चे जो रहते हैं, उनके चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं है, वो इन इस रौनक से, इस एनर्जी से, इस रूप से बहुत ही दूर है। फार फार मतलब बहुत दूर, फार अवे, ठीक है। तो
कवि ये कहता है कि जो ये स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, इनके चेहरे पे कहीं रौनक नहीं है, इनके चेहरे पे कहीं एनर्जी नहीं दिखाई देती, कोई अच्छा अभाव दिखाई नहीं देता, और इनको इसे कंपेयर किया लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस मतलब बिना जड़ का, वीड्स माने खरपतवार जो खेतों में आपने देखा होगा कि ऐसे उग जाती हैं। तो इन बच्चों को ऐसे बताया कि समाज में ऐसे खरपतवार की तरह हैं, जैसे खरपतवार खेत में पैदा होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, इसी प्रकार से समाज के लिए ये बच्चे भी खरपतवार के समान है, यानी कि इनको कोई लाइक नहीं करता। जैसे खेत में फसल होती है, जो वीड्स खरपतवार पैदा होती है उनके बीच में, उसको किसान पसंद नहीं करते, इसी प्रकार से हमारे समाज में जो गरीब बच्चे हैं उनको भी कोई पसंद नहीं करता। आगे क्या बता, द हेयर टोन राउंड देयर पैलर, पैलर का मतलब होता है उनके जो पीले फेस होते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ढंग से मिलता नहीं है, तो उनके चेहरे कैसे रहते हैं, उदास रहते हैं, खाना उनको समय पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनके जो हेयर हैं ऐसे हैं जैसे उनको उखाड़ दिया गया हो, सूखे रूखे सूखे बाल हैं उनके एकदम, और जैसे कभी उन्होंने कंघा ना किया हो। तो जो गरीब बच्चे हैं स्लम में रहने वाले, उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल उदास टाइप हैं, पीले पड़े हुए हैं, और उनके जो बाल ऐसे लगते हैं कि जैसे उनको उखाड़ के फेंक दिया हो, रूखे सूखे हैं, अर्थात उनको न कभी तेल लगाया न कभी उनको कंघी किए। इसके बाद कवि क्या कहता है, कुछ बच्चों के बारे में बताता है, एक लड़की के बारे में बताता है, द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, एक लंबी लड़की है जिसका चेहरा जो है, जिसका जो सिर है नीचे झुका हुआ है, और किस में झुका हुआ है, क्योंकि उसको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, यानी कि वो बीमार है इसलिए कह सकते हो, या दूसरा ये कह सकते हो कि वो बहुत थकी हुई, तो कुछ भी आप कह लीजिए। तो ये बता कि एक जो लड़की है, लंबी लड़की है जो थोड़ी सी एज्ड होगी, वो अपना सिर झुकाए बैठी हुई है, यानी कि उसको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, उसको ढंग से खाना पीना नहीं मिला है, इसलिए वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। आगे क्या बताते हैं कवि, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आईज, पेपर स्विमिंग बॉय, एक लड़का है वो इतना पतला इतना वाइट है जैसे कि एक पेपर होता है, कागज़ देखा आपने, जो कागज़ सफ़ेद होता है बहुत पतला होता है, ऐसे ही बच्चे की तुलना की है कि बच्चा इतना पतला और इतना सफ़ेद है, यानी कि उसके शरीर उसके अंदर खून ही नहीं है, और उसकी आंखें किसकी तुलना किससे की है, रेड्स आई से, जैसे चूहा देखा होगा आपने, उसकी आंखें बाहर निकली रहती हैं और वो ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी चीज़ को खोज रही हो, और ये बच्चा भी ऐसे बहुत दुबला पतला है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, उसमें उसके उसका खान पान बचपन में ढंग से नहीं हुआ है, तो उसकी जो आँखें हैं बाहर निकल के शरीर से थोड़ी बाहर निकली हुई है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी को खोज रही हैं, अर्थात भोजन की तलाश में है वो। स्टंटेड अनलक्की एयर ऑफ द ट्विस्टेड बोन रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और इस बच्चे के बारे में ये बता कि ये स्टंटेड है, यानी कि अविकसित है, अपंग है, अनलक्की है, एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ट्विस्टेड बोन, ट्विस्टेड बोन का मतलब है उसकी बोन जो है वो ठीक नहीं है, ऐठी हुई है, रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज, और वो अपने फादर से उसको ये चीज़ें विरासत में मिली है, एयर का मतलब है उत्तराधिकारी या विरासत में मिलना। तो कवि ये कहना चाहता है कि जो वो पतला है लड़का है उसको उसके पिता से ये बीमारी जो है विरासत के रूप में मिली है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब नई जनरेशन आती है तो उनको विरासत में कुछ ना कुछ मिलता है, किसी को ज़मीन मिलती है, पैसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं इनको क्या मिल रहा है विरासत में, इनको केवल उनके माता पिता क्या दे रहे हैं, डिजीज़ दे रहे हैं, हेरिडिटी समझते हो, अनुवंशिकता, जैसे फादर को कोई बीमारी है ऐसे ही वो सेम ट्रांसफर होकर बच्चों में चली जाती है, फिर उनके बच्चों में चली जाती है, तो वो सब के बारे में ये कवि बोल रहे हैं स्टीफन स्पेंडर, कि एक बहुत ही दुबला पतला है बच्चा है और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई है, और वो ऐसे लगती है मानो कि वो किसी भोजन की तलाश में हो, और जो वो अविकसित बच्चा है उसके उसको उसके पिता से विरासत में क्या मिला है, डिजीज़ मिली है केवल, उसको विरासत में कोई धन संपत्ति नहीं मिला है, केवल बीमारी इसको विरासत में मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क पे बैठा हुआ है क्योंकि बहुत दुबला पतला है और अपने लेसन को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग,
उसके बाद एक तीसरे बच्चे की बात करते हैं। पहले हमने बात की लड़की की, जो लंबी लड़की है, दूसरे हमने बात की एक पतला सा लड़का है जो पेपर की तरह पतला और सफ़ेद टाइप है और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई है चूहे के आंखों की तरह, और उसको विरासत में क्या मिला है, उसको विरासत में उसके पिता से मिला है केवल डिजीज़, बीमारी। अब तीसरे बच्चे की बात कह रहे हैं कि एक बच्चा है जो पीछे बैठा है क्लासरूम में और डिम लाइट है, वहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं है, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, उसको कोई ध्यान भी उसके ऊपर नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही अंधेरे में बैठा हुआ है। स्वीट का मतलब प्यारा सा है और यंग मतलब जवान। जो पीछे क्लास में सबसे पीछे अंधेरे में एक बच्चा बैठा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और वो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यंग है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और जो उसकी आँखें हैं वो एक सपना देख रही है। किसका सपना देख रही है? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, वो स्क्वायरल होता है गिलहरी, गिलहरी के गेम का सपना दे रही है, देख रही इन थ्री रूम अदर देन दिस, इसके अलावा जो वहाँ पढ़ाई हो रही है उसको वो चीज़ नहीं देख रहा है बच्चा, वो क्या देख रहा है, वो उसके उसके मन में एक सपना है कि मैं बाहर जाके पेड़ के ऊपर जैसे गिलहरी खेलती है मैं भी ऊपर जाके खेलूं। ट्री रूम का मतलब है, रूम का मतलब जगह से भी होता है, जैसे आपने ट्रेन में सुना होगा कोई रूम नहीं है, कोई रूम नहीं मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है, ऐसे ही इन ट्री रूम का मतलब ट्री के बीच में शाखों के बीच में जो खाली जगह होती है जिसमें बच्चे खेल कूद सकते हैं उसके बारे में बता। तो पहले स्टेंजर में कवि ने हमें तीन चीज़ के बारे में बताया और ये बताया कि जो इनके चेहरे हैं उसमें बिल्कुल भी चार्म नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल भी आकर्षण नहीं है, वे चेहरे बिल्कुल उदास हैं और एनर्जी से बहुत दूर हैं, ठीक है, कोई जोश नहीं है उनमें। और इन बच्चों को की तुलना किससे की गई है? रूटलेस वीड से की गई है, जो खरपतवार होती है जिसकी किसानों को ज़रूरत नहीं होती, खेत में ज़रूरत नहीं होती, ऐसे ही हमारे समाज में इन गरीब बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं होता, उनकी ज़रूरत नहीं होती। और उसके उनके बताया कि उनके जो बाल हैं बिल्कुल बिखरे हुए हैं, रूखे सूखे हैं, ना उसमें कभी तेल लगाया ना कभी कंघी की, और वे ऐसे लगते हैं। उसके बाद बताया कि एक लड़की है जो नीचे सिर झुकाए बैठी हुई है, और सिर क्यों झुक रहा है? क्योंकि उसको बचपन से ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, अच्छी खुराक नहीं मिली है, अच्छा खान पान नहीं मिला है। और दूसरे बच्चे के बारे में बताते हैं कि जो बहुत ही दुबला पतला है, पेपर के समान बिल्कुल सफ़ेद है, और उसकी आंखें बाहर को निकली हुई है चूहे के आँख की तरह, और उसने उसको अपने पिता से विरासत में क्या मिला, केवल डिजीज मिली है, और वो डेस्क पे बैठा अपना लेसन वेसन पढ़ रहा है। तीसरे बच्चे के बारे में बता कि जो क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है जहाँ पे लाइट भी नहीं है, बहुत डिम लाइट है, और उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, वो बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही यंग है, और वो उसकी आंखों में एक सपना दिखाई दे रहा है, और वो सपना किस चीज़ का है कि मैं बाहर जाऊं और गिलहरी की तरह मैं भी पेड़ पे जाके इधर उधर खेलूं। तो प्यारे बच्चों, ये पहला हमारा स्टेंजा था, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने इसका कुछ किताब से फ़ोटो भेजी थी, उसमें आपके वर्ड्स मीनिंग भी है, उसको भी आप याद कर लेना। एक स्टेंजा और पढ़ेंगे, आज दो स्टेंजा पढ़ेंगे बस। दूसरे स्टेंजा में देखो क्या लिखा है, दूसरे स्टेंजा में है क्या है, ऑन शार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर सेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज बेल्ड फ्लोरीज ट्रोलीज वैली ओपन एंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ड्स इट वर्ड एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? इसमें उस क्लासरूम के बारे में बताएगा कि उसकी दीवार कैसी हैं, उसकी दीवार के ऊपर किस किस के फ़ोटो लगे हुए हैं, उस फ़ोटो से इनका कोई कंसर्न है, कोई संबंध है इन जो स्लम में रहने वाले बच्चों से, कोई उनको कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है डोनेशन में जो गिफ्ट देते हैं लोग बाग, उसमें एक ट्रोलीज वैली के बारे में बताया जो ऑस्ट्रिया में है, कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, उसमें चर्च हैं और मैप लगा हुआ है, और ये बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, लेकिन इन जो स्लम में रहने वाले बच्चे हैं इनको उन डोनेशन से उस शेक्सपियर की पिक्चर से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि इनकी छोटी सी एक दुनिया है,
ये वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना उनको मैथ के बारे में कुछ पता, ना उनको शेक्सपियर के बारे में कुछ पता, इसलिए ये सब चीज़ें इनके लिए फालतू की चीज़ें हैं। देखो क्या लिखा है बच्चों, ऑन शोर क्रीम वाल्स, शोर का मतलब कड़वा कह सकते हैं, क्रीम वाल्स मतलब गंदी दीवार। जो क्लासरूम था वो स्लम एरिया में, एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है प्राइमरी स्कूल कह लीजिए आप, तो उसमें उनकी जो कमरे की दीवार थी वो कैसी थी, सार क्रीम वाल्स, यानी कि वो गंदी पड़ी हुई दीवार थी, या गंदी दीवार थी, उस पर कभी भी वाइट वाश वगैरह नहीं किया गया था, पेंट नहीं किया गया था। डोनेशंस, उस दीवार के ऊपर क्या थे, डोनेशंस थे, यानी कि गिफ्ट थे, किसी ने कोई पिक्चर दे दी, किसी ने कोई तस्वीर दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, वो सब चीज़ें थी जो उसके ऊपर लगा के उन्होंने रखी थी। शेक्सपियर हेड, और किसी किसी ने क्या लगा, एक दीवार पे क्या लगा था, शेक्सपियर का जो हेड लगा, यानी कि शेक्सपियर की तस्वीर लगी हुई थी। कलरलेस एडडान, क्लाउडलेस एडडान, एडडान का मतलब होता है सवेरे। तो सवेरे इसमें ये बताया कवि ने कि जैसे जो क्लासरूम था उसकी दीवार थी वो बिल्कुल गंदी थी, उसके ऊपर कुछ गिफ्ट या तस्वीरें या मैप वैप लगे हुए थे, किसी महान व्यक्ति की तस्वीर लगी हुई थी, और उसमें से एक महान व्यक्ति कौन थे, शेक्सपियर थे। तो शेक्सपियर का हेड था, उसकी तुलना किससे की, जैसे कि सवेरा होता है वो सुबह, सुबह क्या होता है, क्लाउडलेस होता है, और जब सूरज उगता है तो वो हाफ दिखाई देता है, तो वो ठीक उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे शेक्सपियर का सिर हो। शेक्सपियर के सिर क्या था कि आगे से उस पर बाल नहीं थे, गंजा था आगे से, तो उसकी तुलना किससे की गई है, इसमें की गई है कि वो जैसे सवेरे सूरज निकलता है और ऐसे ही उसके सिर की सीरी उसी के अनुसार उसी की तरह लग रहा था। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जैसे कि सभी सिटीज से जब सुबह सवेरा होता है पीछे से सूरज निकलता है, ठीक है, तो ऐसे ही ये बताया कि जो शेक्सपियर का हेड था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे सुबह सवेरे जो सूरज निकलता है जो डोम की तरह होता है, जिसकी सेप कैसी होती है, गुंबद की तरह होती है, उनका जो सिर था वो भी, क्योंकि उस पर बाल नहीं थे आगे आगे, वो भी डोम की तरह लग रहा था, तो उसकी तुलना शेक्सपियर के हेड से की गई है। किसकी, जब सवेरे सूरज निकलता है उसकी तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर के हेड से की गई है, जो आगे से बिल्कुल गंजा था, उस पर बाल नहीं थे। उस पर और क्या क्या चीज़ थी, बेल्ड फ्लोरी ट्रोलीज वैली, एक ट्रोलीज वैली के बारे में बता कि एक ऑस्ट्रेलिया में वैली है, घाटी है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, और उसमें बेल्ट, बेल्ट का मतलब होता है घंटी, घंटी का मतलब चर्च से रिलेटेड है, जैसे चर्च में घंटी होती है, तो जो वैली थी उसमें चर्च भी थे, उसमें आपके सुंदर सुंदर फूल भी थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो दो तीन चीज़ के बारे में बता कि उस दीवार पर जो है शेक्सपियर का सिर लगा हुआ था, यानी कि शेक्सपियर की पिक्चर थी, और शेक्सपियर का हेड कैसा था, आगे से उस पर बाल नहीं थे, और उसकी तुलना किससे की गई है, जैसे कि सुबह सूरज उगता है तो उससे उसकी तुलना की गई है। उसके बाद ट्रोलीज वैली के बारे में बता, उस जो एक पिक्चर थी उसमें ट्रोलीज वैली की एक पिक्चर थी, वहाँ पर दीवार पर लगी हुई थी, जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, जिसमें और क्या था, जिसमें चर्च भी थे, बैल भी उसमें बज रही थी उनकी। ओपन हैंडेड मैप, और ओपन हैंडेड मैप का मतलब है एक पॉलिटिकल मैप था, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और जो पॉलिटिकल मैप था उसमें वो क्या दिखा रहा था, वो संसार को अपना पॉलिटिकल चीज़ बता रहा था, यानी कि उस मैप में सारी पॉलिटिकल चीज़ें थी, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, लेकिन सलम का कहीं जिक्र नहीं था, यानी कि सलम का कहीं उसमें नहीं बनाया था, लेकिन उसने बाकी सब चीज़ें वहाँ पे दिखा रखी थी। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और कवि आगे बताते हैं कि इन प्यारे प्यारे बच्चों के जो अनपढ़ हैं, जिसको देश दुनिया के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, इनके लिए वो मैप कुछ नहीं है, इनके लिए तो विंडो ही उनका संसार है। दोबारा से एक बार देख लो, येट फॉर दी चिल्ड्रन, तो भी इन प्यारे बच्चों के लिए दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ठीक है, इन प्यारे बच्चों के लिए ये विंडो ही इनका संसार है, ये मैप उनका संसार नहीं है, क्योंकि मैप के बारे में उनको कुछ नहीं जानते, कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, वो तो केवल अपने जो सलम एरिया है उसी को जानते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि वेयर आल दीज
दे आर फ्यूचर पेंटेड विद ए फोग, और ये ऐसे एरिया में रहते हैं वेयर माने जहाँ पे ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग। फोग का मतलब है डार्क से या अनक्लियर, फोग होती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये कह सकते हैं कि उनका जो फ्यूचर है बिल्कुल अनक्लियर है, बिल्कुल जो है पता ही नहीं है कि वे फ्यूचर में क्या करेंगे, तो बिल्कुल भी क्लियर उनका फ्यूचर नहीं है। और इसमें दो लाइन और बचती है हमारी, दो लाइन ये है देखो आपकी, इसमें क्या है, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई। लीड स्काई का मतलब भी यहाँ पे वही है कि डार्क स्काई, तो जो उनका जो स्लम एरिया है उनकी जो स्ट्रीट होती है, गली होती है, बोली पोती पतली होती है, और वो सील्ड इन विद ए लीड स्काई, ठीक है, वो पतली गली भी पतली है और ऊपर से उसमें अंधेरा रहता है, तो यानी कि उनका पूरा जीवन जो है, उनका पूरा फ्यूचर कैसा है, अंधकार में है। फार फार फ्रॉम रिवर कैप्स एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड। कभी आगे बता रहे हैं कि जो इनका जीवन है ना, वो उसमें कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है, ना तो उनको रिवर के बारे में ज़्यादा पता, ना कैप्स के बारे में पता, और स्टार ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कह लीजिए कि उनको बेसिक नॉलेज भी किसी चीज़ के बारे में नहीं है। तो दोबारा से एक बार और सुन लो उसको क्या है। दूसरे स्टेंजा में कवि ने हमें क्या बताया कि जो उस क्लास की जो दीवार थी, क्लासरूम की जो दीवार थी, वो बहुत ही भद्दी थी, बहुत ही गंदी थी, उस पर कुछ जो लोगों ने गिफ्ट दिए थे, डोनेशन दिए थे, उनके वो फ़ोटो वोटो जो भी पिक्चर थी या सीनरी थी वो सारी लगी हुई थी, तो उसमें एक पिक्चर थी शेक्सपियर की, और वह उनका सिर आगे से गंजा था, और वो ऐसे लगता था कि जैसे सवेरे जो सूरज निकलता है, तो ऐसे ही उनका वो उसके उससे तुलना की गई थी। और दूसरा उसमें एक सीनरी थी, और सीनरी किसकी थी, ट्रोलीज वैली की थी, जो जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, चर्च भी वहाँ दिखाई दे रहे थे। और तीसरा उन्होंने बताया कि एक मैप उस पर टंगा हुआ था, और मैप जो है अपने संसार के बारे में सारी चीज़ें बता रहा था, लेकिन इन स्लम के बारे में उसमें भी कहीं जिक्र नहीं था कि ये स्लम भी कहीं स्टैंड करती है, एग्जिस्ट करती है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। और फिर कभी आगे कहते हैं कि इन प्यारे बच्चों के लिए ये विंडो ही, इनकी जो क्लासरूम की विंडो है वही उनका संसार है, और वो मैप उनका संसार नहीं है, ठीक है। वेयर आल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग, और जहाँ पे इनका फ्यूचर जो है बिल्कुल अंधकार में है, यानी कि इनके जीवन बिल्कुल अंधकार में है, और उनके जीवन में कोई स्कोप भी नहीं है, और वो जो संसार में नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे रिवर हो चाहे कैप्स हो, वो सब इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, और उनके अंदर जो बेसिक जो स्टार्स ऑफ वर्ड्स का मतलब है, जो बेसिक नॉलेज होती है, वो भी इनको नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, दो स्टेंजा हो गए, दो कल पढ़ाएंगे। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स। बहुत बड़ा हो गया रे, बहुत बड़ा हो गया भाई।